गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में हम स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स इसके पहले आप किंगडम मोनेरा के बारे में पढ़े होंगे तो मोनेरा के बाद स्टूडेंट्स फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में सारे किंगडम्स के बारे में हमको स्टडी करना है तो मोनेरा के बाद नेक्स्ट जो किंगडम होता है वो हम आज के इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं किंगडम प्रोटिस्टा की स्टूडेंट जो किंगडम प्रोटिस्टा है इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे किंगडम प्रोटिस्टा के कुछ एक्टिस फीचर्स ये सारी बातें स्टूडेंट आप देख पा रहे होंगे तो फर्स्टली होता है व्हाट इज़ प्रोटोजोन्स प्रोटोजो इनमें जो ऑर्गेनिजम्स इन होते हैं किंगडम प्रोटिस्टा में उनको प्रोटोजोन्स कहते हैं इनके कुछ कैरेक्टर्स पढ़ेंगे स्टूडेंट्स जो किंगडम प्रोटिस्टा होती है उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही होते हैं इन यूनीलुलर होते हैं इनको बोलते भी हैं यूनीलुलर यू यूकैरियोट्स का मतलब इसमें जो सारे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस वाले होते हैं इसलिए इनको यूनिसेलुलर यूकैरियोट कहा जाता है मतलब डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं इनके और भी कई सारे फीचर्स होते हैं ये सारी बातें अभी हम पढ़ेंगे इस वीडियो में स्टूडेंट्स धीरे धीरे करके तो फर्स्टली होता है व्हाट इज़ प्रोटोजोन्स जो किंगडम प्रोटिस्टा के ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको प्रोटोजोन्स कहा जाता है इनके बारे में आप देखिए लिखा है सिंगल सेल यू कैरियोट मतलब यू ट्रू न्यूक्लियस जो प्रोटोजोन्स होते हैं प्रोटो uh, का मतलब होता है प्रिटमेटिव जोन्स का मतलब एनिमल्स ये सारी बातें भी हम पढ़ेंगे कि जो फर्स्टली अर्थ पे कोई एनिमल है तो वो प्रोटोजोन्स हैं इस तरह से हम आगे इसमें बात पढ़ेंगे स्टूडेंट प्रोटोजोआ की स्टडी को प्रोटोजोलॉजी भी कहते हैं ये सारी बातें हम इसमें पढ़ेंगे कि जो प्रोटोजोन्स होते हैं वो यूनीसेलुलर यू कैरियाट होते हैं एक सिंगल सेल के होते हैं और यू कैरियाट का मतलब यू का मतलब होता है ट्रू और कैरियाट का मतलब होता है न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये इनके बारे में स्टूडेंट्स यहाँ से आप और भी पढ़ सकते हैं कि पॉजिजिस ऑर्गेनल्स टू कैरी आउट कॉम्प्लेक्स फंक्शन इसमें सेल ऑर्गेनल्स भी पाए जाते हैं इनमें जो सेल ऑर्गेनल्स हमारे सेल में होते हैं वो लगभग सेल uh, ऑर्गेनल्स सारे सेल ऑर्गेनल्स इनमें प्रेजेंट होते हैं रेस्पिरेशन सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है वाटर बैलेंसिंग कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जिसको ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं डाइजेशन फूड के लिए फूड वैक्यूल्स होते हैं लोकोमोशन इनका सीलिया फ्लैजिला सूडोपोडिया के थ्रू होता है कुछ यहाँ पे जनरल फीचर्स के बारे में स्टूडेंट बात हो रही है कि जो प्रोटोजोन्स होते हैं उनके करेक्ट्रैक्टिस फ़ीचर्स साइलेंस फीचर्स के लिए स्टूडेंट बात करते हैं लोकेशन की तो जो प्रोटोजोन्स होते हैं उनमें लोकेशन थ्री टाइप से होती है फ्लैजिलर लोकोमोशन मतलब फ्लैजिला के थ्रू लोकोमोशन होती है जैसे यूगलिना हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि यूगलिना में डाइनो फ्लैजीलेट्स में फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं लोकोमोशन के लिए मूवमेंट लोकोमोशन का मतलब मूवमेंट ये किसके थ्रू मूव करते हैं तो फ्लैजिला के थ्रू मूव करते हैं कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं यहाँ पे आप कई सारे पॉइंट्स नोट कर सकते हैं कि बिल्ड लाइक केबल एराइजेस फ्रॉम काइनेटोस होम ये सारी बातें यहाँ से नोट कर सकते हैं स्टूडेंट्स लोकोमोशन के लिए बात हो रही है अब बात करते हैं लोकोमोशन थ्रू सीलिया सीलिया का मतलब कुछ बॉडी में हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं माइनोट है, स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं स्टूडेंट उनको सीलिया कहते हैं स्टूडेंट सीलिया के थ्रू जो मोशन होते हैं उनको सीलियरी मोशन लोकोमोशन कहते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल पैरामीसियम आप फिगर में देख पा रहे होंगे स्लीपर सेल पैरामीसियम को बोलते हैं इनमें लोकोमोशन सीलिया के थ्रू होता है देख पा रहे होंगे सीलिया का एक मैग्नीफाई फिगर्स है इंफ्रा सीलिएचर इन सी सीलिएट्स ये सीलिया का फिगर आप देख रहे हैं स्टूडेंट नेक्स्ट लोकोमोशन होता है स्टूडेंट स्यूडोपोडिया अमीबा में एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है जिसके थ्रू वो मूव करते हैं उनको सीडोपोडिया pseudopodia या सीडोपोडियल मूवमेंट कहते हैं अमीबा में सीडोपोडियल फॉर्मेशन देख पा रहे होंगे स्टूडेंट आप फिंगर लाइक प्रोजेक्शन सीडोपोडिया को बोलते हैं अमीबा में जो लोकोमोशन होता है वो सीडोपोडिया के थ्रू होता है इन इस तरह के लोकोमोशन को स्यूडोपोडियल लोकोमोशन कहते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट बात करते हैं न्यूट्रिशन की तो जो प्रोटोजोन्स होते हैं उनमें ऑटोट्रॉप्स और हेट्रोट्रॉप्स दोनों ही तरह के न्यूट्रिशन प्रेजेंट होते हैं मतलब ऑटोट्रॉप्स जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपना फूड खुद सिंथेसाइज़ करते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी होता है प्रोटोजोन्स uh, में एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं कि युगलिना बड़ा बेस्ट एग्जाम्पल है उनमें ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन देखा जाता है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो डिफ मतलब डिफरेंट ऑर्गेनिजम पर रह करके फूड लेते हैं जैसे होलोजोइक अमीबा में होता है फैगोसाइटोसिस कहते हैं सैप्रोफिटिक पैरासिटिक ऐसे डिफरेंट तरह के मोड्स हेट्रोट्रॉपिक के भी होते हैं स्टूडेंट न्यूट्रिशन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि जो ऑटोट्रॉप्स और हेटरोट्रॉप्स हेटरोट्रॉप्स में होलोजोइक सैप्रोजोइ फैगोसाइटोसिस पाइनोसाइटोसिस मिक्जोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ये सारे डिफरेंट तरह के न्यूट्रिशंस होते हैं जो प्रोटोजोन्स में पाए जाते हैं न्यूट्रिशन इन वेरियस ग्रुप्स वेरियस ग्रुप्स के अकॉर्डिंग ये न्यूट्रिशन के बारे में बताया गया है क्लोरोफाइटा और जितने क्लोरोफाइटा होते हैं वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं अमीबा लाइक एनिमल्स जो अमीबा जैसे ऑर्गेनिज़म्स होते हैं उनमें न्यूट्रिशन फैगोसाइटोसिस और पाइनोसाइटोस जिनको सेल ईटिंग और सेल ड्रिंकिंग भी बोलते हैं स्टूडेंट बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन है ये सारी बातें नेक्स्ट होता है स्टूडेंट सीलियोफोरा हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है और एपिकोम uh, प्लेक्सा uh, जो होता है वो पैरासाइट्स होता है ये डिफरेंट तरह के न्यूट्रिशन uh, के लिए बात है स्टूडेंट नेक्स्ट बात होता है ऑस्मो रेगुलेशन ऑस्मो रेगुलेशन बात को बोलते हैं बैलेंसिंग ऑफ वाटर या एक, एक तरह से एक्सक्रीशन के लिए बात होता है ऑस्मो रेगुलेशन वाटर बैलेंस को बोलते हैं कि एक्सेस वाटर को हमारे उनके बॉडी से रिमूव और बैलेंस किए रहता है सिस्टोलिक और डाइस्टोलिक दो तरह के फेज होते हैं इनमें कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल्स करते हैं ये वाटर बैलेंस कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल फ्रेश वाटर सेल हाइपोटोनिक टू सराउंडिंग पिकअप वाटर मेराइन सेल हाइपोटोनिक टू सराउंडिंग लूज वाटर पैरासाइट आइसोटोनिक ये सारी बातें स्टूडेंट ऑस्मो रेगुलेशन के लिए ऑस्मो रेगुलेशन युगलना में होता है ये सारी बातें इसमें हम देखने को मिलती है पैरामीसियम में भी ऑस्मो रेगुलेशन देखा जाता है वाटर बैलेंसिंग को बोलते हैं ये कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल्स के थ्रू होते हैं दो तरह के इसमें फेजेस होते हैं डायस्टोलिक फेस और सिस्टोलिक फेस एक में वाटर को फिलअप होता है और दूसरे में वाटर यही सेल मेम्ब्रेन के पास थ्रो नाउट बाहर रिलीज कर देता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट रिप्रोडक्शन की तो जो प्रोटोजोन्स होते हैं उनमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों तरह से ही रिप्रोडक्शन होता है ये सेक्सुअल में बाइनरी फीजन अमीबा में होता है बर्डिंग बर्डिंग भी होता है मल्टीपल फीजन प्लाज्मोडियम इसमें पढ़ेंगे प्लाज्मोडियम में मल्टीपल फीजन होता है ये सब सारे स्क्रीन पे जो भी आप देख रहे हैं स्टूडेंट साइजोगोनी स्पोरोगोनी ये सब डिफरेंट तरह के ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है रिप्रोडक्शन की बात कर स्टूडेंट तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है जिनमें हम पढ़ेंगे आइसोगैमी, एन आइसोगी ओ गैमी ये डिफरेंट तरह के एक तरह से गैमिट्स के बीच में रिप्रोडक्शन होती है इसलिए तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं रिप्रोडक्शन के लिए बात है स्टूडेंट्स इंसिसटमेंट और ये सारी बातें आप देख पा रहे हो रिप्रोडक्शन के लिए रिप्रोडक्शन सेक्सुअल प्रोडक्शन में भी होती है एन आइसोगस आइसोगस और सबसे एडवांस टाइप का सेक्सुअल प्रोडक्शन होता है ओ गैमस डिफ़रेंट तरह के गैमिट्स के बीच में होती है स्टूडेंट ये सारी बातें आप यहाँ से नोट करके अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि जो फाइलम क्लोरोफाइटा होती है उनके बारे में बात है कि जो क्लोरोफाइटा फाइलम के एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स होते हैं प्रोटोजोन्स होते हैं वो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइनरी फीजन के थ्रू करते हैं और उनका स्पेशली कॉलोनी बना के रखते हैं जैसे वॉलवॉक्स एग्जाम्पल है लाइफ साइकिल ऑफ वॉलवॉक्स आप स्क्रीन पे देख पा रहे स्टूडेंट्स ये वॉलवॉक्स ये सेक्सुअल सेक्सुअल दोनों तरह से Cilia के से लाइफ साइकिल है सीलिएट सीलिया के थ्रू होता है इसमें पैरामीसीम एग्जाम्पल है ये सेक्सुअल डिप्रोडक्शन बाइनरी फीजन से होता है स्टूडेंट यहाँ से ये सारी चीजों को स्टूडेंट आप नोट कर सकते हैं तो स्टूडेंट आज हम इस वीडियो में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखें कि जैसे कि जो प्रोटोजोन्स होते हैं उनमें लोको मोशन कैसे होता है और उनमें उनका न्यूट्रिशन और रिप्रोडक्शन ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को आज हम सीखें स्टूडेंट्स कि जो प्रोटोजोन्स होते हैं उनके बारे में हम कुछ पॉइंट्स को सीखें स्टूडेंट आज की इस वीडियो में इतना ही आप अच्छे तरीके से इस वीडियो को फिर से देख करके सारे पॉइंट्स को सीख लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके आगे इसी वीडियो को आगे कंटिन्यू करेंगे स्टूडेंट्स आप इस वीडियो को देखेंगे तो आगे का नेक्स्ट वीडियो भी आपको क्लियर समझ में आ जाएगा इसलिए इस वीडियो को प्रॉपरली अच्छे तरीके से देख के इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स इसी के आगे और कॉन्टिन्यू करेंगे आजकल इस वीडियो में इतना ही थैंक यू